जैसे कि ये किल चेंसो मशीन है, जैसे कि मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में इस मशीन को अनबॉक्स करते टाइम लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में हम आपने बताया था कि इस मशीन को खोल के दिखाएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे कि इस मशीन में क्या क्या लगा हुआ है और कैसे लगा हुआ है। तो आज हम दिखाने वाले दोस्तों इस मशीन का पूरा खोल के दिखाएंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस मशीन को खोलने में क्या क्या टूल्स लगेगा। तो जैसे कि दोस्तों ये प्लग रिंच है जो कि ये हमारा मशीन के साथ ही मिल जाता है, और ये छोटा स्क्रू ड्राइवर है जो कि ये मशीन के साथ ही आता है, और ये एलेंकी दिया गया है जो कि ये भी मशीन के साथ ही आता है, और ये मैंने अपने तरफ से लिया है ये पकड़ जो कि नोज प्लास है, और ये स्क्रू ड्राइवर सेट है यहाँ पे आप देख लेंगे। तो आइए इस मशीन को हम खोल के दिखाते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसको ऊपर का ये खोलेंगे, ये देख जैसे कि ये स्क्रू ड्राइवर है, तो इसको हम इस प्लास्टिक को स्क्रू है इसको खोल लेंगे। खुल गया है देखिए ये कवर, ये स्क्रू लगा हुआ है इसमें ये, और यहाँ पे जो दिया देखने को मिल रहा है आपको फिल्टर दिया गया है, एयर फिल्टर जो कि ये हवा के लिए रहता है, इसको आप आसानी से साफ भी कर सकते हैं इसको निकाल के। ये देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको खोलेंगे, हाथों से आसानी से खुल जाता है, और इसको आराम से निकालेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से है, इसको आपको साफ वगैरह करना होगा तो ऐसे निकाल के आप पेट्रोल में छोटा ब्रश से आप इसको साफ कर सकते हैं आसानी से, वो आपको तार वाला ब्रश से साफ नहीं करना है, नहीं तो ये जाली लगा हुआ है ये जाली पूरा फट जाएगा। ये नॉर्मल जो आता है प्लास्टिक का उससे आप साफ कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है ये स्विच लगा हुआ है जो कि मशीन जो चालू होता है और बंद होता है, तो यहाँ पे आपका स्विच लगा हुआ है, और ये प्लग लगा हुआ है जो आपको खोल के हम दिखा देते हैं, ये स्पार्क प्लग है और उसका होल्डर है ये, और ये कार्बोरेटर लगा हुआ है जो कि आपको देखने को मिल जा रहा है। और ये आपका चोक है जो कि आपको यहाँ से देखिए काम कर रहा है कैसे, तो आइए हम पहले इसको प्लग रिंच खोल लेते हैं, प्लग को प्लग रिंच से। बस इसको ढीला करना है, आसानी से खुल जाता है ये देखिए। और हम इसको पहले ऊपर का खोलेंगे, ये जो कवर है पूरा वो चीज आपको खोल के दिखाएंगे हम। ये देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है एक, और दो स्क्रू अंदर में लगा हुआ है, ये सबको खोल लेंगे ऊपर का ये कवर निकालने के लिए। और यहाँ पे एक कवर में लगा हुआ है एक स्क्रू, यहाँ पे देख लेंगे, तो इसको बारी बारी से खोल लेंगे। ये
ये देखिए ये खुल गया है, और यहाँ पे जो लगा हुआ है स्विच का, देखिए यहाँ पे स्विच का तार लगा है इस नट में, तो इसको निकालेंगे और बाकी का ये पूरा सेट निकल जाएगा आपको कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है जैसे कि ये कार्बोरेटर है, और ये देखिए यहाँ पे एक नट मिल जा रहा है आपको देखने को, जो कि ये रेस आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखिए यहाँ से आप इसको इसको बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं आसानी से। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है सिलेंडर, जो कि ये इसके अंदर में लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है और आपका क्रैंक लगा हुआ है, जो कि क्रैंक लगता है तो ये पिस्टन अप डाउन होता है, ये पूरा सिलेंडर सेट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। और ये चीज़ आपको हम खोल के दिखा देंगे, जो कि ये साइड का जो है किक वाला जो स्टार्टिंग सिस्टम है, वो चीज़ हम आपको खोल के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया है, यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू है, इसको खोल लेंगे, एक दो, ये देखिए तीन, और यहाँ पे देखिए चार, ये चार स्क्रू दिया गया है, इसको खोल लेंगे चारों स्क्रू को। इस मशीन को खोलने के लिए मशीन के साथ ही टूल्स मिल जाता है, जो कि आसानी से उसी से आप मशीन को खोल सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से खुल गया, और ये देखेंगे ये जो स्टार्टर लगा हुआ है कुछ ऐसे है।